समाज गुरुदेव की, समाज गुरुदेव की, समाज गुरुदेव की। अपने स्थान पे बैठ जाए, अपने सीट पे बैठ जाए। समस्त गुरुदेव की ऊर्जामयी महिमामयी उपस्थिति, प्यारी गुरु माँ की उपस्थिति हम सब के बीच हो चुकी है। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन करें। अब आज दूसरे दिन मूर्छल महोत्सव की जो टीम प्रस्तुति दे रही है वो है यूपी और बिहार की टीम। तो यूपी और बिहार की टीम का हौसला अफजाई अपने तालियों के साथ करें। और पूरी टीम तैयार है समस्त गुरुदेव के आरती के लिए। आरती में आप सबके भी दिल के ज्योत इस ज्योत के साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। के साथ आपके हौसला अफजाई। अब हम सबके दिलों की धड़कन हमारे प्यारे मुर्शिद से आज के कार्यक्रम के आगाज की अनुमति चाहते हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे मुर्शिद, बहुत शुक्रिया। इस गुलाबी ठंड को देखकर बार बार कर्मा महोत्सव की याद आती है। और वो दिन अप्रतिम अद्भुत थे शायद, जिसने उन लम्हों को जिया वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। और कहीं दूर से जो निहारते रहे उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो लम्हे लौट के नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी कई मित्र जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मैं फिर से एक बात कह दूं कि मूर्छल महोत्सव की जो शुरुआत हुई है कल से, एक अलग ऊंचाई के लिए इस पूरे कायनात को अलग उत्साह, उल्लास, उत्सव, उमंग की तरफ लिए जा रहा है। तो जो छूट गए हैं अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति हमारे अलग अलग चैनलों से दें जहां तक आपको ये बात पहुंच रही है। और आप अफसोस करेंगे, आपका अधिकार बनता है अफसोस करना, लेकिन जो मित्र यहां मौजूद हैं तालियों के साथ, गुरु वंदना के लिए हमारी यूपी और बिहार की तरफ से पहली प्रस्तुति पे। तालियां तो बजाइए नन्हे कलाकार के लिए। बड़े बड़े कार्यक्रम हो तो ऐसी छोटी चीजें हो जाया करती है। तालियों के साथ हरिओम की सुंदर और क्या शुरुआत हो सकती थी। समर्थ गुरु की जय, समर्थ गुरु की जय, समर्थ गुरु की जय।
आप पुनः आ जाइए गुरु वंदना के लिए। हमारे संदीप जी तैयार हैं। वॉल्यूम और दीजिए। माला दीक्षा शुरू हो चुकी है। मैं पुनः दोहरा दूं कि कुछ मित्र कल मास्क के पीछे अपना तोता नाक बाहर निकाल कर रखा था उन्होंने, कृपया अपने तोता नाक को भी मास्क के अंदर ढक लीजिए, संक्रमण वहां से भी हो सकता है। शुक्रिया। अब जो हमारी प्रस्तुति है वह वृंदावन से आप तक आ रही है। हमारे गुरुदेव की मौजूदगी भगवान कृष्ण की तरह है और ये वक्त है एक महारास का, उल्लास का। आप अपनी जगह बैठ के उस महारास में शामिल होंगे, पूरे शरीर को हरकत देंगे, हाथों को काम देंगे, दिल को थोड़ा बेचैन करेंगे और तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज राधा को श्याम आ गया गरबा नृत्य पे।
जोरदार तालियां, अद्भुत, आज राधा को श्याम याद आ गया। मैं फिर से कह दूं एक बार कि करमा महोत्सव के दिन बार बार याद आते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में भोजपुरी भी सुनाई दे रहा लोग के, तो थोड़ा सा दिल धड़कावे के बाद, मजा लेने के बाद, जैसे कल हमने हरियाणवी का मजा लिया, तो थोड़ी बहुत भोजपुरी। और मैं थोड़ी क्या, मैं आप सबसे कह दूं कि पूरी कोशिश करूंगा कि करमा को यहाँ लेके आऊं, उस धरती की यादें लेके आऊं। मुश्किल है लेकिन ये मुश्किल काम जरूर करेंगे हम, बाबा का आशीष है। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, जरा गौर फरमाइएगा, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं, समंदर मेरे घर आता है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें टीम झारखंड का। अब देखिए टीम झारखंड क्यों, क्योंकि ये हमारा परिवार है, बिहार झारखंड एक साथ रहा, तो जैसे बड़ा उत्सव होता है तो पूरी फैमिली साथ इकट्ठा हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम भी शामिल होंगे इस महोत्सव में, तो जोरदार तालियों के साथ एक झारखंडी नृत्य के लिए आप सबका। जय। जब हम इस अनंत की यात्रा पे, अज्ञात की यात्रा पे चलते हैं, तो किसी को देख के दिल धड़कता है, सर झुकना चाहता है, सस्ता करता है, हाथ पकड़ते हैं, वो हमारा, हम बहुत खुशनसीब समझते हैं। फिर भी थोड़े अज्ञात राह पे चलने से पहले दिल कभी कभी धड़कता भी है और लगता है कि किस ओर लिए जा रहे हैं, एक ऐसी राह पर चले जा रहे हैं जहां बढ़ते तो जाते हैं, मिटते तो जाते हैं, फिर भी थोड़ा मिटना प्रश्न उठाता है कि किधर लिए जा रहे हो हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव। तो ये सुंदर सी प्रस्तुति भोजपुरी अंदाज में कौन दिशा में लेके चला रहे भैया, गुरु के साथ हम किस दिशा में चल रहे हैं, उमंग तरंग का मजा लीजिए और अपने भावों को इस गीत के साथ जोड़िए। डूब
जाइए, इसमें डूब जाइए, हम सब के भाव हैं। कहता है हमारा भी ना, हम कहते हैं कि बाबा ठहर ठहर, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा यहाँ रुकने दीजिए। बाबा कहते हैं नहीं, ये चरवेती पिछले चरवेती के भी पार है और अगले वाले उसके भी पार होगी, तो ये अनंत की यात्रा पे बाबा के साथ चलना। और हमारा बार बार मन करता है कि थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा रुक जाए। अभी प्रज्ञा प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं कि खूब लगातार आ रहा है, इसके साथ आपको ये करना है, तो हम वही हमारा है कि ठहर ठहर, दिन जाएगा गुजर। और बाबा कहते हैं कि दिन जाएगा, चल चल आगे, चल आगे चल, चरवेती चरवेती चरवेती। खूब तालियों के साथ प्यार होता है मुर्शिद से, गुरु से, उनकी निगाहें पड़ती हैं तो दिल गदगद होता है, उनके इश्क में पड़ते हैं, उनके प्यार में पड़ते हैं हम, और फिर उनके इंतजार में रहते हैं हम। उनको कृष्ण कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं, उनको अपना सब कुछ कहते हैं हम, लेकिन थोड़ी शिकायत भी नाराजगी रहती है। बाबा कलाकारों ने कहा कि आप तक पहुंचा दो उनकी बात और हम सब की बात। आप जब नजर की आपके इंतजार में, प्यास में जब वो रुकते हैं, रहते हैं, और बाबा भी खूब कृष्ण की तरह अटखेलियां करते हैं, उसको ना देख के सब देखते हैं, तो उसको लगता है उस बंदे को, हम सब की हालत है, इंतजार में रहते हैं तो लगता है कि तो बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है, अब तो मेरी तरफ देख लीजिए, अब तो मेरी तरफ देख लीजिए। बाबा समझते, बाबा कहते ना कि मैं जानता हूं कि किसकी पूछ कहां है, लाख कोशिश कर ले आप पूछ को समेट ले, बोले सिकुड़ा ले सब पूछ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दबा देते हैं और आप उछल जाते हैं। और तब हमारे भीतर से आता है कि ये जुल्मी
आप जुल्मी हैं, आपके संग नैन लड़ गई, बहुत पीड़ा है। तो ये प्यार का उलहाना है, जैसे गोपियां कृष्ण को देती थी, जैसे आप सब कभी न कभी देते हैं। तो पेशे खिदमत आपकी, खूब तालियों के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन करें। तो जरा बताएं आप सबके भीतर के भाव एक्सप्रेस हो पाए थे? अगर हो पाए तो तालियां बजाइए, क्योंकि इनसे ही इश्क है, इनसे ही शिकायत है, इनसे ही इबादत है, इनसे ही इबारत है। तो बहुत बार मन करता है कि क्या क्या कहें, और फिर जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, क्या जानिए क्या खो जाता है। दिल बार बार धड़कता है कुछ कहने के, कुछ बोलने को, और मैं बार बार जोड़ूंगा क्योंकि कर्मा की ही टीम है, कर्मा महोत्सव हम हमेशा साथ रहते हैं। और जब कर्मा का जिक्र होता है, कर्मा धाम का जिक्र होता है, तो बाबा के होठों की हंसी अद्भुत लगती है। तालियां उस हंसी के नाम। एक युग बीता, और मुझे लगता है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन और गोकुल में लीलाएं करते होंगे, तो वो जो दिन रहे होंगे वो कैसा रहा होगा? तो बिल्कुल जो कर्मा महोत्सव में रहे होंगे वैसा रहा होगा, और आने वाले द्वारिकाधीश के साथ मूर्तल महोत्सव में जैसा हो रहा है वैसा हो रहा होगा। अद्भुत है ये, अद्भुत है, अद्भुत है ये लम्हे, अद्भुत है आप सबकी उपस्थितियां यहाँ पे। हमारी जो हम अगली प्रस्तुति पेश कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब कोई बड़ा सा उत्सव होता है तो हम अपने सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को भी पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो जैसे बिहार के साथ झारखंड खड़ा हुआ आया, और टीम झारखंड के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत उत्साह उमंग के साथ कई प्रोग्राम उनके थे, और आचार्य
अमरेश जी, जी प्रणाम करता हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं आप, लेकिन बड़ी आपकी तरह से भी कोशिशें हुई, लेकिन इस बड़े से मूर्तल महोत्सव में थोड़ी जगह दी गई, शिकायत होगी तो क्षमा प्रार्थना भी हूँ, प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन कई आइटम्स जी कह रहे थे कि एक बार झारखंड कह दीजिए उतने में हो जाए। अरे झारखंड के झारदनी कह कह के और कितने झारखंड कहे के बाबा भाई जी, तो हमारी दिल के आप खुश है ना? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो टीम झारखंड के लिए ताली आपने बजाई। अब मैं अगली प्रस्तुति की बात करता हूँ कि अगली प्रस्तुति में अभी एक पहाड़ी नृत्य लेके आ रहे हैं। आप कहेंगे कि पहाड़ी नृत्य क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो माँ अरुणिमा की अद्भुत ये बात है। हालांकि इसके लिए डांट लगी कि मेरा नाम क्यों लिया आपने, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि हम सबको समेटेंगे। तो एक पहाड़ी नृत्य के लिए जोरदार तालियां, और आप ठुमके उस पर, बिल्कुल आपकी मासूमियत ठुमकनी चाहिए। हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे नजर में रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट बस स्टैंड नहीं होता, हमारे दिलो दिमाग में हमारे जहन में मूर्थल का धाम होता है, मूर्थल की दीवारें होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हम ढूंढते हैं बार बार के, लगता है यही कहीं जीरा हमारे, कहीं हमारा दिल हमारा जिगर यही कहीं खो गया है। तो आपका भी खो गया होगा, और कमाल की बात है खो गया होगा तो ढूंढ नहीं सकेंगे आप। क्यों ढूंढ नहीं सकेंगे? क्योंकि जैसे कहते हैं बाबा कि पुतला नमक का समुंदर में उतरता है, उतरता जाता है और खोता जाता है। तो सौभाग्य हमारा कि इनके चरणों में हम रोज रोज खो रहे हैं, और रोज रोज कुछ ना हो कि भी बहुत कुछ हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस अगले प्रस्तुति के लिए यही कहीं जीरा हमार, तालियां तो कम है फिर आपका जीरा हम ढूंढ के वापस। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। तुम हो इतना हमारे
अगर आपका भी जियरा इन्हीं कहीं गुम हो गया है, चोरी हो गया है दिल, तो और तालियों के साथ। वैसे तो कलाकारों के किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें अनामिका भी है। और जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो हमारे कोरियोग्राफर माँ अरुणिमा ने कहा, माँ आपसे आप जी आप समझेंगी। नाम इसलिए लिया गया कि अलग नाच रही है दूसरे के साथ। एकदम कमाल बात कही आपने। तो ये कहा गया कि इस पे तुम क्यों नहीं आ जाते आलोक, मतलब नाचने में कोई और क्यों, तुम ही आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसमें नहीं आऊंगा, आ नहीं सकता। तो क्या हुआ, आप मोह माया से मुक्त हो गए? मैंने कहा नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने कहा उसमें ये का जुलम हुई गवा में मुक्का मार रही है। मैंने कहा मेरे छाती कूट देगी अनामिका, उसको मौका मिल गया तो ईद का जुलम हुई गवा रहे। मैंने कहा मैं उठ के दोबारा खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे अगली प्रस्तुति लानी होगी, तो मैं तो इसमें नहीं रहूंगा। और देखिए मैं जिंदा आपके सामने सलामत हूँ। बाकी विकास अपनी धर्म पत्नी के साथ थे, पूछूंगा उनका दर्द जिगर दर्द नजर दर्द दिल बढ़ा तो नहीं है कूटाने के बाद दिल का। अब जो हमारी अगली प्रस्तुति आप देख रहे हैं तैयार है ये। वैसे तो कृष्ण को कहते हैं द्वारिकाधीश, कृष्ण को कहते हैं गोकुल नंदन वृंदावन वासी, लेकिन वो पूरे जगत के लिए हैं, पूरी सृष्टि के लिए हैं, है ना। वैसे हमारे समर्थ गुरुदेव पूरी सृष्टि के लिए हैं, लेकिन अगर 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 बात की जाए तो रहुआ बानी बिहार के लाला, और इस बिन बिहार के लाला के लिए कैसे हमारी हम सबकी जो आशाएं हम सबकी उम्मीदें क्या है बाबा से, कि आप खूब 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 दीर्घायु रहे, खूब स्वस्थ रहे, जब तक हमारा दिल धड़के और उसके पार भी आप धड़के हमारी नजरों में निगाहों में देखकर। तो उस दुआ के साथ, ये बहुत लाइट मूड का गीत है आपने सुना होगा, उस भाव के साथ सुनिए, गाइए, नाचिए और अपने अरमान अपने भावनाएं अपने प्रार्थनाएं जोड़ दीजिए कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, आप हजारों साल आपकी उम्र हो। खूब जोरदार तालियों के साथ अपने भावों को जोड़िए। लेकिन फिर भी कम तैयार होते हैं आप, जितनी हमारे घर में यहाँ माए तैयार होती हैं, तो तैयार होती है तो उनको लगता है पूरा। अगर मेरे को एक मन हुआ ना कि मैं कुछ लिखूं एक छोटी सी बुक कि मेरी तेरी प्रेम कहानी, और उसमें इतने लोगों की प्रेम कहानी, मैंने कुछ इंटरव्यू किया अपने मित्रों के, तो मैंने देखा कि जिसकी प्रेम कहानी मैंने सुनी उसकी विशिष्ट लगी। बाबा और उसका 1-to-1 अलग कहानी है, उसके अपने अंदाज अपने ढंग है। तो शायद आप सबके हिस्से भी आपकी लव स्टोरी होगी, कहानी होगी, तो हमको लगता है कि हम बड़े विशिष्ट हैं। और कभी कभी बाबा को आप देखेंगे,
कि आपकी विशिष्टता को परखते भी हैं और आपको रोज तराशते हैं, आपको रोज पिघलाते हैं। तो वैसे ही सबको लग रहा है इन सबको कि हम विशिष्ट हैं और बाबा को आकर्षित करने को, बाबा को लुभाने को, रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्या भाव है विशिष्टता में कि बाबा सबके लिए विशिष्ट है और सब बाबा के लिए विशिष्ट है। जो डॉक्टर के साथ तो बहुत बोले ताले ही नहीं थे। हाँ, ये बात। मैं जानता हूं आप मंत्र मुग्ध हो रहे हैं इस प्रस्तुति पे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने तंद्रा से, अपनी लीनता से बाहर आए, तालियां बजाएं और हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। बहुत शुक्रिया। ये थीम यूपी बिहार की प्रस्तुति है तो कुछ अलग है और होगा, तभी आप जानेंगे, फर्क जानेंगे कि यूपी और बिहार की प्रस्तुति है ना। हमारे यहाँ यूपी बिहार में कोई बच्चा जन्म लेता है, आपके यहाँ जन्म लेता होगा कि नहीं लेता? लेता है ठीक है। तो जब हमारे यहाँ जन्म लेता है तो आपके यहाँ जैसा जन्म लेता है कुछ उससे अलग होता है। अलग क्या होता है, क्या अलग होता है? कुछ अलग नहीं होता है, उसके भी नाक सामने होती है, कान दोनों अगल बगल में होता है। हम सोहर करते हैं और बड़ी उम्मीद, बड़ी आशाओं से उस छोटे प्यारे नन्हे नवजात शिशु के लिए अपने अरमान, अपने अपने अपनी दुआएं, अपने दरुद पेश करते हैं वो, कि तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ। तो मैं सोच कह आपको ले जाना चाहता हूं, आप तब जाके चले जब हमारे प्यारे मुर्शिद का धरती पे आगमन हुआ होगा, तो कितने अरमान से उनके माता पिता, उनके अपने, उनके संबंधी, चाचा,
बुआ सब इकट्ठा होकर अपनी दुआएं पेश करते होंगे, तमन्नाएं डालती होंगी, और उन्होंने जो कुछ भी कल्पना की होगी कि तुम ये हो जाओ, कहते हैं तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। लेकिन हमारे बाबा जिस मुकाम पे, उस मुकाम की कोई दुआ करे भी तो कैसे करे, तो वो तो अद्भुत है, वहां पार नहीं जाया जा सकता। लेकिन आप वैसे चले कि जब अभी नन्हा शिशु है और कैसे क्या क्या दुआएं चलती है, तो खूब जोरदार तालियों के साथ इस सोहर के लिए। राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए कारे तारा आदरूरत मोहूरत खूब सूरत हो ए राजा जी ए कारे तारा आदरूरत मोहूरत खूब सूरत हो सिलवा के ताज, ये पैसा छोड़ डालो भाई का बात भाई, पैसा तो हमारा हो लेकिन ना होला भाई लो हमारो तो तीन भाई नहीं का। अगर आपको ये सोहर अच्छा लगा होगा तो आप खूब खूब आशीष दे अपने तालियों के साथ इन कलाकारों को। माँ अच्छा लगा आपको, क्या बात है, माँ ने कहा तो फिर से तालियां हो जाए। आप लोगों को तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भोजपुरी में सोहर खूब चलता है, राम के लिए, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए खूब गाते हैं लोग और बहुत बधाइयां गाते हैं, बहुत मजे करते हैं। अब हमारे अगले प्रस्तुति के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप मेरे को भी देखिए, उधर भी देखिए, कभी कभी इस कलाकार को भी देख लिया करिए, भले मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता था लेकिन मैंने कहा कि मैं क्यों उनको आउटसाइन करूँ, है ना, तो मेरे लिए तालियां बताइए आप। शुक्रिया इस दरिया दिल्ली के लिए कह 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 के ताना मार मार के मुझे अपने तालियां मंगवानी पड़ रही है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। अरे बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। जो हमारी अगली प्रस्तुति मैं लेके यूपी बिहार की तरफ से हम आ रहे हैं, बाबा उसके बारे में कहते हैं कि जब पहली नजर ओशो से
उनकी मिली। तो कहते हैं चलते चलते यूं ही जिंदगी के सफर में एक ऐसा ठाव मिल गया, ऐसा ठौर मिल गया जहां नजरें टिक गई, ठहर गई, जैसे हमारी ठहरी होगी। और उसमें एक लाइन है कि जो कही गई न हमसे वो जमाना कह रहा है कि तेरे साथ चल चलते, एक फसाना, एक बहाना, एक जमाना, मतलब हमारे अरमान, हमारे भाव तब पूरे हो जाते हैं जब लोग कोई कहता है कि अच्छा तुम इन गुरु वाले हो, अच्छा तुम समर्थ गुरुदेव के शिष्य हो, अच्छा उनके शिष्य हो। तो बस वही अरमान है। बहुत नजाकत से, बहुत शालीनता से इसको सुनिए, अपने भाव जोड़िए। जब नृत्य करता है तो ऐसा ही होता है। जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से हौसला अफजाई करें आप। मैं देख पा रहा हूं रचना मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई और पूरे पूरे मुखड़े से लेकर अंतरे तक वो मुस्कुराती रही, नाचती रही खड़ा होके। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। हम सबके पांव से रख रहे थे, हम सबके पांव से रख रहे थे।
और कमाल की बात है कि बाबा की बहुत अत्यंत प्रिय गीतों में से एक है, और कलाकार भी चाहते हैं कि पूरी नजरें इनायत उनकी बाबा की उनके तरफ हो। ये संयोग था कि माला दीक्षा का आज का कार्यक्रम भी करीब करीब सारे लोगों ने दीक्षा ले ली, तो पूरी नजरें निगाहें बाबा की उनके ऊपर थी और धन्य धन्य कृत्य थे। अदायगी कमाल की थी, कमाल की थी। आज यूपी बिहार की प्रस्तुति है, मैं बार बार कहूंगा जब तक आपको पूरा याद ना हो जाए। इतना गंभीर होने की बात नहीं है, मैं फिर से कहूंगा क्योंकि हाँ झारखंड की भी है और उत्तराखंड की भी है। अमरेश आचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि झारखंड के ना बोल लो, तू बोलो कह ना बोलो। बिहार के बारे में बहुत ओपिनियंस हैं, बहुत तरीकों से देखते हैं, सोचते हैं हम। बाबा से मैंने पूछा एक बार ये अभी जो प्रस्तुति है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि आज की स्थिति बताती है कि कल कभी उत्कर्ष पे रहा होगा, और उत्कर्ष बताता है कि फिर वो ये चलता है ना। तो बिहार के बारे में आप बहुत जानकारी पढ़ते होंगे, जानते होंगे। इस प्रस्तुति के बारे में एक दो चीजें आपको मैं बताऊंगा, एक दो क्या कई चीजें बताने को है कि जब धर्म की क्रांति भगवान कृष्ण के बाद आनी थी, होनी थी, तो बिहार वो धरती थी। भगवान बुद्ध यहां से जन्मे, महावीर यहां के हैं, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखे, और रामचंद्र जी शायद गुस्ताखी होगी लेकिन कम पढ़े लिख जाते क्योंकि उनकी पढ़ाई हमारे यहां हुई बिहार में, बक्सर में। तो तालियां बजाइए इसके लिए। और पूरा ये जो प्रस्तुति है, आर्यभट्ट आप गर्व से कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, हमने शून्य दिया विश्व को, हमने गणित की शिक्षा दी विश्व को। लेकिन थोड़ा और कंसाइज करें और माइक्रोस्कोप लगाएं, थोड़ा गूगल मैप को, गूगल अर्थ को और जूम इन करते जाएं, तो बिहार की धरती से थे। और बाबा मसौढ़ी से थे वो, उनकी वेधशाला तारेगना मसौढ़ी का किनारे जहां से मैं हूं, तो उनकी एक वेधशाला खगोल में भी, खगोल तारेगना ये दो जगह है, तो तारेगना तारे गिनते थे वहां पे। बस याद आ गया, आपने प्रशंसा में कुछ बात कह दिया, आप चले गए, ताले बजा सकते हैं। क्या कल्चर है, नृत्य है। मसौढ़ी के उसे मोहल्ले के थे जिसमें आप हैं। नहीं नहीं, मोहल्ला हमारा अलग है। कितना उदार है आप, कितने दरिया दिल है आप, आपके होठों पे हंसी आई, हंसी के नाम तालियां। तो पूरा कल्चर हम दिखाएंगे, वहां छठ है कि वहां सोहर है कि वहां कजरी है, पूरा यूपी बिहार, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूंगा, वो पूरा क्षेत्र है जहां हम छठ को मनाते हैं। तो छठ का अभी पिछले दिनों आपने देखा क्या उत्सव था छठ के। लोग कहते हैं कि सूर्य उगता है जो डूबेगा, है ना, अक्सर मिसाल देते हैं, जो उगा है उसका अस्त होगा, लेकिन छठ कमाल का पर्व है, वो कहता है जो डूबा है फिर उगेगा। क्योंकि हम शुरू करते हैं शाम के अर्घ से, भगवान सूर्य को प्रार्थना पूजा अर्पित करने से, फिर सुबह करते हैं हम। ये इशारा है कि जीवन हो सकता है थोड़ा घाटी में हो, लेकिन ऊंचाई, नया सूर्य, नई आशाएं, उसकी उम्मीद, उसकी प्रतीक्षा करता है। मैं कहने पे आऊंगा तो बहुत कहूंगा लेकिन कम कहूंगा क्योंकि फिर ये क्या कहेंगे। जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का हौसला अफजाई करें, और पूरा यूपी बिहार की संस्कृति कल्चर को अलग अलग छोटे छोटे गीतों के माध्यम से देखें, जाने सुने समझे। हाथ सजल की सावन है, हाथ सजल
की सावन
बिहार। जो जा तालियां, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कई महापुरुषों के नाम नहीं लिए, आप देख सकते हैं लाजवाब प्रस्तुति थी। अच्छा लगा आपको? वैसे तो संतों को हम कहीं सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन दावेदारी तो करते हैं ना। घर का बच्चा अगर कहीं कोई बहुत जगह पहुंच जाए तो सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। तो हमारे तो समर्थ गुरुदेव हैं, प्यारे सूफी बाबा, हम क्यों ना दावा करें। इसलिए हमने दावेदारी की, क्षमा प्रार्थी अगर आपको कुछ अलग लगा हो तो, ताकि लगे हम क्या करो। अब ये विरह की बात, प्यार की बात, इश्क की बात। बाबा हमारे केंद्र में है, हम सब के केंद्र में है, और हम सब का जो चित्त है, जो हृदय है, वो राधिका की तरह, गोपियों की तरह खूब रास उनके आसपास करना चाहता है, होना चाहता है। तभी तो हम इतने दूर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं बाबा के इस महारास में शामिल होने का। तो हमारी अगली जो प्रस्तुति है वृंदावन से हम लेके आ रहे हैं, वृंदावन जी आप हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। परम प्रेम में राधिका, खूब तालियों के साथ इस गीत का होनी चाहिए, और तालियां होनी चाहिए। माना कि आप मंत्र मुग्ध हैं, पर वापस आइए और तालियां बजाइए। सेशंस में जब हम बाबा के इंतजार करते होते हैं तो हम सब ने देखा होगा एक दूसरों को कि एक नजर हमारे अपने सीट पे होती है जहां से हम खड़ा होकर ज्यादा नजदीक जाके बाबा को देखना चाहते हैं, और दूसरी नजर उनकी आहट पे होती है कि बाबा कब उधर से आ रहे हैं। एक दो खबरी हम सब रखते हैं, वो कहता है कि मेरी यहाँ जगह रखना, हम आ रहे देख के।
फिर दौड़ता है वो और उसके बदले में उसको पुरस्कार क्या मिलता है कि कहीं भी आगे खड़ा हो सकता, खबर लेकर आया हो अपने पीर का, अपने महबूब का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए बाबा की गजल पे ये नृत्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है टीवी बिहार ने, सुन आहट। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। जब भी आहट होती है मुर्शिद के आने की, अच्छा कभी कभी बाबा आपसे एक चीज और शेयर कर लूं, जैसे हमने बाबा कुछ अर्ज किया, कुछ लिखा बाबा को, तो हम एकदम से चकोर की तरह इंतजार करते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, करते हैं कि कब बाबा वो ब्लू टिक हो जाए, ब्लू टिक हो जाए, और एकदम धक 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 भी होता रहता है, उसके बाद ब्लू टिक हुआ तो एकदम अब इतना के बाद और बढ़ने वाली बेकरारी। क्यों बढ़ती बेकरारी? क्योंकि अब बाबा टाइपिंग बाबा का शो करता है, बाबा टाइपिंग, ठीक है, समझ गए टाइपिंग। उसके बाद तो लगता है कि बगल हमने जो अर्जी दी है उसका क्या परिणाम आने वाला है, और जब तक बाबा टाइप करते हैं कभी लगता है कुछ छुए नहीं, कोई अगल बगल सटे नहीं मेरे, तो क्या हो रहा है, कहां है आप, चुप बाबा टाइपिंग, बाबा टाइपिंग। तो जोरदार तालियों के, क्योंकि ये सब उनकी आहटें हैं। मैं तो बाबा कुछ लिखता हूँ तो एकदम से म्यूट कर देता हूँ पूरा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का, बस एक बाबा वाला मेरे टिंग हुआ तो इधर धक हुआ, तो धक के साथ तालियों के साथ इन कलाकारों का खूब से स्वागत करें। बड़ी बातें कहने को समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी बात भी तो मैं कह रहा हूँ, खूब खूब तालियां, ट्रैक प्लीज। कभी खुद ही आकर कहे
बहुत खूब बहुत खूब। ये प्रेम का रंग है, ये उत्सव का रंग है। प्रेम से याद आया कि 14-16 प्रेम प्रज्ञा भी हमारी है। कुछ मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने इरादा बनाया होगा कि जाएंगे, उसके पहले इरादा बदल लीजिए। आपका सौभाग्य है कि बहुत तो नहीं लेकिन थोड़े सीट्स खाली हैं। और अपने उन मित्रों को भी बोले जो छूट गए हैं कि बड़ा अद्भुत रात रंग, पहला प्यार का अपना मजा है, पहली नजर का अपना मजा है, तो पहला मूर्थल महोत्सव का जो मजा होगा वैसा मजा फिर और मजा नहीं हो सकता। तो बच गए हैं जो दूसरा हिस्सा 14-16 में, उनको कहिए आप बुकिंग कराएं। अब मैं वापस लेके चलूं अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति की तरफ। जैसा आपने सुना कि माँ सीता मिथिला से थी, और हमारे यहाँ मिथिलांचल बिहार का हिस्सा है, अब तो नेपाल में भी कुछ हिस्सा पड़ता है उसका। नेपाल के मित्र डरे नहीं, हम अपनी दावेदारी ऐतिहासिक प्रस्तुत कर रहे हैं, भौगोलिक प्रस्तुत अभी नहीं करेंगे। आलोक भाई बिहार का नक्शा फैला दीजिए। फैला तो दूंगा बिल्कुल, जो बिहार करता अपने भीतर सब बिहारी है। तो मिथिला में एक परंपरा शुरू हुई कि जब अब दूल्हा कोई भी आता है तो राम का स्वरूप हो जाता है। और कहते हैं राम चार भाई आए थे, लेकिन सबका दिल धड़का था, रीझा था भगवान प्रभु श्री राम पे। अब मैं माँ के पास, मेरा सौभाग्य है कि माँ जहाँ की है, बाबा का ससुराल है, मेरी पोस्टिंग इन दिनों वही है, तो माँ के दीदार दर्शन होते हैं। और उस ससुराल की भूमि कल्चर को भी मैं खूब समझता हूँ, समझता रहा हूँ। तो जरा अपने याददाश्त को, अपनी कल्पनाशीलता को वहां लेके जाइए, जब बाबा की बारात आ रही होगी माँ के यहाँ, माँ दुल्हन बन के तैयार रही होंगी, तो जो आस पास के और लोग हैं क्या उचक के दूल्हा को देखना चाह रहे होंगे, और कितने तब भी कितने लोग ललायित होंगे बाबा के स्वरूप को। और जानने वाले ने हमेशा कहा कि बाबा शुरू से ऐसे दिव्य थे, जितना दिखता था उसके पार बहुत था, जो अज्ञात था, जो आकर्षित करता रहा हमेशा से शुरू से बाबा का। तो वो मिथिला वाला भाव हम सब, मान लीजिए हम सब मिथिलावासी हैं और माँ के घर पे हैं, चाय वाय मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी आपको, खाना पीना मिलेगा। तो हम माँ की तरफ से हैं बाबा के स्वागत में, इस गीत में, नृत्य में झूमिए भोजपुरी मिथिला में, जैसा मिथिला परंपरा को हम दिखला रहे हैं खूब तालियों के साथ।
क्या बात है, मजा आया आप सबको। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल उत्कर्ष पे हैं, हमारी आखिरी प्रस्तुति हमारी नहीं आप सबकी है, इसलिए बाबा से एक आध मिनट और हो जाए तो अनुमति चाहता हूँ। शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। चरवेति में बाबा कहते हैं कि एक तरफ तो प्रेम है हमारे भीतर और हमें उस परम में विलीन हो जाना है, लीन हो जाना है, तो प्रेम और उत्स से मिलन जो है उत्सव के रूप में प्रकट होता है। और इसको बहुत सुंदर हर बार बाबा बाउल गीत के माध्यम से हम सबको बार बार इशारा करते हैं। तो अगली जो हमारी प्रस्तुति आने वाली है, अगली जो हमारी प्रस्तुति होने वाली है वो एक बाउल नृत्य है। और बाबा ने एक बार कहा था राजू स्वामी के बारे में कि राजू स्वामी ने जब बाउल पे ठुमका लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं उनको दोबारा देखना चाहूंगा कि वो दोबारा जब स्टेज पे बाउल पे ठुमका लगाते दिखाई देंगे तो मैं समझूंगा पूरी तरह से स्वस्थ है, फिट है। तो हमने उधार लिया है, हमने उधार लिया राजू स्वामी को, खूब तालियों के साथ नवाजे आप, उनके लिए भी खूब तालियां बजाया कि हमने कहा कि राजू स्वामी जी वैसे तो आप यूपी बिहार से नहीं है लेकिन आप कहाँ के नहीं है, वो हर जगह जहाँ जाते हैं वही घुल मिल जाते हैं। तो हरियाणा के लोग भी कह रहे हो बार बार परमानेंट ले लो भैया, क्या बात है, क्या बात है। और सुभाष जी भी देख रहे थे कि भाई बार बार झारखंड की प्रस्तुति तो है नहीं, चार पांच बार आलोक जी ने झारखंड झारखंड कह दिया, तो हरियाणा क्यों नहीं कहेंगे आप। तो बस उसी के खातिर, आपका ऋण चुकता करने के खातिर हमने राजेश स्वामी को भी अपने साथ शामिल किया है। और वो अगर तैयार है राजेश स्वामी, जरा सा पहले थोड़ा आ जाइए, थोड़ा सा पहले आ जाइए, मिनट भर पहले आ जाइए आप राजेश स्वामी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, राजेश स्वामी भी तैयार है। अब माँ से मैं पूछूंगा कि माँ वो प्रस्तुति हमारी कैसी थी, आपको अच्छी लगी माँ? बहुत बढ़िया माँ। बात यह है कि बाराती वाले गीत में आभा दीदी भी शामिल है। अरे वाह क्या बढ़िया गीत है, उस बारात के गीत में आभा दीदी भी शामिल थी और आभा दीदी को भी उनके ननिहाल की झांकी हमने प्रस्तुति दी है साथ, तो जोरदार तालियां आभा दीदी की तरफ से मिली हम सबको। अद्भुत है, माँ के पास जाने का पिछले बार भी मौका मिला था। और पूरी संस्कृति, बाबा तो कहते हैं कि भागलपुर और वो पूरा जो प्रांत है जहाँ से माँ है, वहाँ शादी करने का बहुत एक फायदा क्या है कि पत्नी बहुत मधुर बोलती है तो कान तक नहीं लगती है। और इसका उल्टा हमसे पूछ लीजिए, अगर हमसे पूछ लीजिए कि मैं और जगह की हाल बताऊं, और जगहों का हाल बताऊं, आप कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं, हर बार कुछ ज्यादा समझ, गजब के समझदार लोग हैं आप, गजब के। मैंने कहा कि जुनवे में इसलिए नहीं था कि छाती फूट जाएगी मेरी, इसका ही मतलब नहीं था कि वो बहुत मधुर बोलती है, वो लाजवाब बोलती है, आप लोग कुछ सीखिए थोड़ा मधुर वाले, है ना। हाँ जी बढ़िया। तो जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करता हूं बाउल नृत्य के कलाकारों का, बाउल डांस और बाउल, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब तालियां हो जाए। Thank you.
बहुत है, हम सब का मिलन को तड़पता है दिल। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब तालियों के साथ आपका खड़ा होना इशारा करता है कि आपको कितना अच्छा लगा, आपके दिल के भाव समझ गुरुदेव के चरणों तक पहुंचे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब प्यारे मुर्शिद से खूब खूब अनुरोध है कि वो हम सबको अपने आशीर्वचन दें। समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की। जय।